हे ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूँ फलक खान और आपका यमी गर्ल्स में वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली के स्पेशल मुंगलेट, जो बहुत ही हेल्दी है हमारे बच्चों के लिए। तो बनाना शुरू करते हैं। मुंगलेट बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो दाल, मूंग की दाल को भिगा कर रखी हूँ। ये मैंने 4 घंटे के लिए भिगाई थी। अब इसे धोकर पानी निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। आधी आधी करके पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे। एक साथ पीसेंगे तो हमारा मिक्सर जाम हो जाएगा, ब्लेड टूट भी सकती है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। अब इस दाल में हम ऐड करेंगे 10 से 12 हरी मिर्ची, 10 से 12 कड़ी पत्ते के, एक बड़ा चम्मच जीरा और 7 से 8 लहसुन। ये सब डाल देंगे दाल के अंदर हम पीसने के लिए। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे इसमें 1/4 ग्लास ऑफ वाटर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली थी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून सोडा, 1/2 टीस्पून हिंग। अब इस जार का ढक्कन लगा के ऐसा फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। दरदरा नहीं होगा, ये बिल्कुल फाइन होगा। अब ये एक बोल में निकाल लेंगे। देख रहे हो मेरा पेस्ट कितना गाढ़ा है? बस बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अब बाकी की दाल भी इसमें पीस कर ऐड करेंगे और इसे ढक्कन लगा कर साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने ली हूँ एक बड़ी प्याज, एक बड़ा गाजर, एक शिमला मिर्ची और 2 मीडियम साइज के टमाटर। इन सब चीज़ों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। चॉप करके क्या करेंगे, जब आधा पौना घंटा हो जाए ना दाल रख के, तो देखो मेरी दाल की कंसिस्टेंसी पहले आप देख लो, ऐसी ही होना चाहिए। ना इससे पतली होना चाहिए, ना इससे गाढ़ी होना चाहिए। अब जो हम वेजीज काट कर रखे थे ना, उसे ऐड कर लेंगे 1 by 1 करके। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही ना रेसिपी लेके आती हूँ कि हमारे बच्चे किसी न किसी बहाने से हेल्दी और सबसे पहले वेजिटेबल खाना सीखे। उसी ज़रिए से वो उनकी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ मैं अच्छा लेकर आती हूँ। अब इसके लिए चटनी पीस लेंगे, 1/2 ऑफ कोरिएंडर लीव्स, उसमें मैंने 4 हरी मिर्ची डाली हूँ, 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, ये मीडियम साइज का टमाटर है, 2 टमाटर कट करके डालेंगे। टमाटर अच्छे से धो कर लेंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो सब्जियां ज़्यादा गंदी ही आती है। 1 नींबू इसमें डालेंगे स्क्वीज करके, एक एक करके। ये पहले मैंने आधा की थी, अब आधा की हूँ। अब मैं क्या करूँगी, दोनों भी आधा आधा नींबू वापस से स्क्वीज करूँगी क्योंकि एक टाइम में दोनों का जूस नहीं निकलता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 लहसुन की कलियां, 2 चम्मच तेल, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इससे तेल से और नींबू से चटनी का कलर बहुत अच्छा होता है। इसे फाइन पेस्ट में मैंने ग्राइंड कर ली हूँ। मैंने पानी नहीं डाली थी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करना, ज़्यादा मत ऐड करना। मेरी चटनी रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, पैन रखेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है तेल बड़ा, और धीरे धीरे करके हमें 2 से 3 चम्मच इसमें बैटर डालना है जो हमने मूंगलेट का रेडी करके रखा हुआ है। आपका पैन अगर छोटा हो तो 2 बड़े चम्मच डालना, अगर बड़ा हो तो 3 से 4 चम्मच डालना, क्योंकि जो हमारे ये मूंगलेट है ना, ये पतला नहीं होगा फ्रेंड्स, ये थिक होगा, जाड़ा होगा। ये अच्छे से इसे स्प्रेड आउट कर लेंगे।
स्लो फ्लेम पे इसे ढक कर रखेंगे क्योंकि ये थिक बना है तो ये अच्छे से पकना भी चाहिए ना। ये आप देख रहे हो साइड से इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले चारों बाजू से चम्मच घुमाकर इसे अलग कर लेंगे पैन से, ताकि ये अगर हम पलटाने के लिए डायरेक्टली उठाएंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो पहले मैंने इसे पैन से अलग कर लिया है, इसे मैं पैन को घुमा रही हूँ ताकि थोड़ा ये मेरा मूंगलेट जो है ये भी घूम जाए। बड़ा सा चम्मच लेंगे क्योंकि ये मेरा मूंगलेट का साइज भी बड़ा था। अब हम इसे स्लो पर रखेंगे। टर्न करने के बाद में भी हमारी फ्लेम जो है ना वो स्लो ही होगी, फास्ट नहीं करेंगे। फास्ट करेंगे तो ये जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। अब ये अच्छे से धीमी आंच पर देखो कितना अच्छा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्लाइसेस कर लेंगे। फ्रेंड्स नीचे तक एकदम नहीं, डीप कट नहीं देना है इसमें, खाली ऊपर से निशान बनाना है, जैसे हम लोग पिज्ज़ा में बनाते हैं, बट पिज्ज़ा हम अच्छे से कट करते हैं, इसे हम नीचे तक कट नहीं करेंगे, बेस तक हमें इसे कट नहीं लगाना है, सिर्फ निशान लगाना है। अब हमारी सबसे टेस्टी वाली चीज आ गई, मक्खन, मूंगलेट मक्खन मार के। तो इसमें 2 छोटे चम्मच मक्खन लगाएंगे और फिर से हम फ्लिप करेंगे। अब फ्लिप करने के बाद में हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है। अब हमारा मूंगलेट तो अच्छे से पक चुका है अंदर से, बस हमें दोनों साइड से लेयर अब क्रिस्प करनी है बटर में। फ्लेम हाई रखेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखना जल ना जाए। यह हमारा एक साइड से देखो कितने अच्छे से क्रिस्प हो गया, देख रहे हो ना कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। वाओ माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है ना। अब हम जब फ्लिप करेंगे तो नीचे से भी ये फ्लेम हाई ही होगा, फ्लेम स्लो नहीं करेंगे। अब नीचे से भी हमारा जो है मूंगलेट वो एकदम क्रिस्प हो गया। अब इसे चटनी के साथ खाइए गपर गपर। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।